DRR and DRM recommendations and technical guidance for clusters, working groups covering all sectors, that is health, education, food security, livelihood, agriculture, wash, shelter, protection, environment, etc. Enhanced coordination among the government, UN, INGOs, national NGOs, scientific organizations. अगर आपको ड्राफ्ट अच्छा लगता है, इसमें कोई चीज़ इनपुट देनी होनी अच्छी, अगर आपकी इनपुट है तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ये एक अच्छा जो है ना फोरम है, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जो स्टार्ट और टेक इनिशिएट। नेक्स्ट मीटिंग में आई थिंक के काफ़ी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है। यूएन ओचा के दोस्त यहाँ पे हैं, आईएनजीओ के काफ़ी दोस्त हैं। नेक्स्ट मीटिंग में काफ़ी और दोस्त जो है मज़ीद एक्सपेक्टेड हैं, जिन्होंने आज जो है वो रिग्रेट किया कि हम इस मरतबा नहीं आ सकते, नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे। और NHN और इनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। NHN के अगर दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि वी आर आल्सो मेंबर ऑफ द NHN, हमें यह है कि हम NHN से बाहर नहीं हैं। एक और फोरम बना हुआ है PHF के नाम से, पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम, उसमें तमाम INGOs मेंबर हैं। डिज़ास्टर स्ट्रक करता है तो पहली जो चीज़ होती है वो रैपिड असेसमेंट होती है, वो डिटेल्ड असेसमेंट नहीं होती, क्योंकि डिटेल्ड असेसमेंट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। उसमें सारे सेक्टर्स होते हैं, आप जाके ग्राउंड लेवल पे असेस करते हैं चीज़ों को, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। साइमा विलियम फ्रॉम वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल के साथ मैं एज ए MNCH पॉलिसी एंड सीनियर एडवोकेसी ऑफिसर काम कर रही हूँ, और आज इस DRR फोरम स्पेशली सिंध चैप्टर जो है इसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट करके एक बड़ी होप नज़र आ रही है। और मैं समझती हूँ कि PHF और NHN फोरम के बावजूद जो एक गैप रह रहा था कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग का, वो बहुत अच्छे तरीके से DRR सिंध चैप्टर जो है उसको पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से इस फोरम में UN की एजेंसीज, इंटरनेशनल NGOs, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम NGOs जो हैं वो DRR के ऊपर अपनी कैपेसिटीज़ को शेयर कर सकेंगी, डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकेंगी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत देर से ये लॉन्ग अवेटेड एक नीड थी जिसको ये फोरम जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। FRDP के रोल को मैं समझ रही हूँ कि बहुत इनिशियल लेवल पे बहुत ही अच्छा और करेजियस है उनका रोल, कि उन लोगों ने बारिश के एक पहला कतरा बने हैं और किस तरह से वॉलंटियर किया है इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। और मेरे ख्याल हमारे लिए भी उन्होंने एक रोल सेट कर दिया कि किस तरह से हमने भी इस तरह से वॉलंटियर करते हुए आने वाली मीटिंग्स में वॉलंटियरली अपने आप को पेश करना है और मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करना है। ये मीटिंग में साहब जितनी इन्वॉल्वमेंट हते हिन माल आए असा मीट को कंदा से RWF में ये RDA हते भी मीटिंग दिया, पर असा उन में ज्यादा 6-7-8 जना आइदा इन ती मीटिंग में। जी, मेरा नाम आका औरंगजेब खान है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट IRM में एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर काम करता हूँ। आने वाले जो सालों में जो अगर कोई इस किस्म का कोई नेचुरल डिज़ास्टर या मैनमेड डिज़ास्टर कोई सिंध को हिट करता है, तो उस हवाले से ये DRR फोरम सिंध चैप्टर जो है वो बड़ी हद तक काम कर सकता है। और उम्मीद यही है कि जितने भी मेंबर्स यहाँ इस मीटिंग में आए हैं आज और मीटिंग अटेंड की है, तो उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे अपने इस DRR फोरम को और अपने इस फोरम को कामयाब बनाएंगे। हमारे चैप्टर की ताकत क्या है, हम कितना वॉलंटियर कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट हो जो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बहस ये हो। मैं समझता हूँ कि इस फोरम की बहुत ज़रूरत थी। सिंध के कुछ हिस्से डिज़ास्टर साइकिल का हिस्सा हुए हैं। बदकिस्मती से जो हम फोर्स ही कर रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ नौ के डिज़ास्टर्स का सामना रहेगा, इसमें सिविल सोसाइटी या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट या और जो रोल प्लेयर्स हैं, ज़रूरत है कि वो मिल के बैठें। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के कामयाब फोरम के इनेकात और चैप्टर के क़याम के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर कंट्रीब्यूट करेगा जो DRR के अराउंड इश्यूज हैं उसको शोकेस करने में और उसके हवाले से कंट्रीब्यूट करने में ये फोरम बेहतर किरदार अदा करेगा। अमजद अली चांडियो, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रीजनल ऑफिस हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग है और पिछले जो है वो 8-10 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ PDMA के साथ। माशाल्लाह सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो फीडबैक दिया, जो मतलब बहुत बेहतरीन उन्होंने अपने कमेंट्स दिए कि सिंध के चैप्टर के लिए जो है वो एक बहुत लाजमी होना चाहिए DRR पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट है FRDP की। और मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ हैं कि इंशाल्लाह ये आगे जाके
अच्छा काम करे और सिंध के लिए पाकिस्तान के लिए एक अच्छा कदम साबित हो। मेरा नाम इमरान लगारी है और मेरा ताल्लुक यूएन ओचा से है। मैं हेड ऑफ़ सब ऑफिस हूँ यूएन ओचा का। यहाँ पे जब आजर साहब ने हमें इनविटेशन दी कि जी FRDP इज़ टेकिंग लीड फॉर दिस फोरम जो सिंध चैप्टर बनाए DRR का, आई वॉज सो हैप्पी। मैं देखा कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें जो अहम बात यह है कि आप DRR के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को गैदर किया आपने, ऑर्गेनाइजेशंस को गैदर किया है, और इस फोरम की कमी थी बेसिकली सिंध में, क्योंकि जितना सिंध डिज़ास्टर प्रॉन है और जितने डिज़ास्टर्स यहाँ पे आते हैं और अकर होते हैं और जैसे मिसहैंडल भी होते हैं, कभी हैंडल्ड प्रॉपरली भी हो जाते हैं, तो उसको सारी को सिचुएशन को देखने की ज़रूरत थी, उसको डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की ज़रूरत थी और उन चीज़ों को सारा प्रॉपरली एक फोरम होने की ज़रूरत थी, और DRR फोरम राइट प्लेस है उसके लिए। जो वो चीज़ें उस पर होंगी और डिस्कशंस होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, एडवोकेसी होगी, द वे दे हैव ब्रिंग दिस थिंग इन सिंध एंड गैदरिंग ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस इज़ फैंटास्टिक एंड हाईली अप्रिशिएटेड। और मुझे उम्मीद है कि FRDP जो उसका पॉइनर होगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन DRR फोरम के लिए और सेक्रेटरेट होगी इनिशियल, तो बहुत ही इम्पैक्ट होगा मेरे ख्याल में इस फोरम पे।